हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन तलाक के बारे में। दोस्तों, तीन तलाक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो काफी ड्रामा अंदाज में शुरू हुआ और राजनीतिक गलियारों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में जहां 3 करोड़ से भी ज्यादा के केस पेंडिंग में है, उसे ये मुद्दा इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने 3 करोड़ केसेस को साइड करके और 5 जजों को 3 तरह के मुद्दों पर जजमेंट देने के लिए बिठा दिया। उन 5 जजों ने काफी दिनों तक उन मुद्दों पर मगजमारी की और इसके बाद उनमें से 3 ने ये फैसला दिया कि 3 तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों, दूसरे लोगों को छोड़िए, अगर हम सिर्फ मुसलमान लोगों की बात करें तो मुसलमानों में अक्सर लोगों को ये नहीं पता है कि 3 तलाक बेसिकली होता क्या है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि 3 तलाक क्या था और कोर्ट का फैसला आने के बाद 3 तलाक पर क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, 3 तलाक क्या है। पॉइंट नंबर 2, इस्लाम में 3 तलाक पर क्या स्टेटस है। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 3 तलाक पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 तलाक बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, 3 तलाक को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है या फिर इस्लाम में तलाक का स्ट्रक्चर क्या है। इस्लाम में 3 प्रकार के तलाक होते हैं। पहला होता है तलाक ए अहसन, दूसरा होता है तलाक ए हसन और तीसरा होता है तलाक उल विवाद। तलाक ए अहसन उस तलाक को कहा जाता है कि जिसमें कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है उसकी महावारी खत्म हो जाने के बाद बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, यानी कि जब कोई पति अपनी पत्नी को उसकी महावारी खत्म हो जाने के बाद उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाए बिना एक तलाक देता है और ये कहता है कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो इसे तलाक ए अहसन कहा जाता है और यह इस्लाम में बहुत ज्यादा पसंदीदा है। दूसरा होता है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन में ये होता है कि कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है उसकी महावारी खत्म हो जाने के बाद बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, जब उसकी नेक्स्ट महावारी आती है फिर उसको दूसरा तलाक देता है, फिर जब तीसरी महावारी आती है फिर उसे तीसरी बार तलाक देता है। तो दोस्तों, बेसिकली तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन में ये फर्क है कि तलाक ए अहसन में महावारी के बाद एक तलाक दी जाती है, जबकि तलाक ए हसन में एक महावारी के बाद एक तलाक, दूसरी महावारी के बाद दूसरी तलाक और तीसरी महावारी के बाद तीसरी तलाक दी जाती है। चाहे आप तलाक अहसन तरीके से दो चाहे आप हसन तरीके से दो, पत्नी पूरी इद्दत गुजारने तक, यानी इद्दत की जो अवधि होती है वो या तो 3 महीने 10 दिन होती है या फिर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे जनने तक होती है, तो जो इद्दत की अवधि होती है वो पति के घर पर ही रहकर गुजारेगी, अपने मायके नहीं जाएगी। तीसरी तलाक होती है तलाक के बिदात। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक पति अपनी पत्नी को 3 तलाक एक साथ देता है और कोई पति जब अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने तुझे तलाक दिया या फिर ये बोलता है कि मैंने तुझे 3 तलाक दिए, तो इसे कहा जाता है तलाक ए बिदाद। तलाक ए बिदाद हालांकि इस्लाम में नापसंद है, उसके बावजूद ये एग्जीक्यूट होती है। ये एक तरह का गुनाह भी है क्योंकि इस तलाक में महिला जब तक के लिए हराम हो जाती है जब तक वो किसी और से शादी ना कर ले। तो इससे आप जान ही चुके होंगे कि 3 तलाक बेसिकली होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 3 तलाक का इस्लाम में क्या स्टेटस है, इस्लाम में इसकी क्या मान्यता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि कुरान पाक में 3 तलाक का जिक्र नहीं है, इसलिए 3 तलाक का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग ये नहीं मानते हैं, फिर अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो वो तलाक मान्य नहीं होगी, तो वो लोग गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। 3 तलाक का जिक्र कुरान में भी है। इस्लाम में जब किसी चीज को साबित किया जाता है उसके लिए 4 एविडेंस में से जो 1 एविडेंस पेश करना पड़ता है कि या तो वो चीज कुरान में होनी चाहिए, अगर वो चीज कुरान में नहीं होती है तो फिर वो हदीस में होनी चाहिए, अगर हदीस में भी नहीं होती है तो फिर उसमें कयास होना चाहिए। अगर इन सब में से कोई भी चीज साबित हो जाती है तो उसको इस्लाम का अंग माना जाएगा। अगर हम कुरान पाक की बात करें तो कुरान में फरमाया है कि कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है तो वो पत्नी अपनी पति पर जब तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वो पत्नी किसी और मर्द से शादी ना कर ले। अगर हम हदीस की बात करें तो बहुत सारी हदीसें ये साबित करती हैं कि 3 तलाक हालांकि नापसंद है लेकिन उसके बावजूद ये एग्जीक्यूट होता है, इस्लाम में मान्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको 3 हदीसें बताना चाहेंगे। पहली हदीस है, हुजूर पाक के जमाने में हजरत इवादा इब्ने समित के बाप ने अपनी पत्नी को एक साथ 1000 तलाक दे दिए। उसकी औलाद ने अर्ज किया, ए अल्लाह ए रसूल, बेशक हमारे बाप ने हमारी माँ को एकदम 1000 तलाक दे दिए हैं, तो क्या उसके लिए इससे निकलने की जरूरत है। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि तुम्हारा बाप अल्लाह से नहीं डरा तो अल्लाह अपने हुक्म से इसके लिए निकलने की सूरत क्या पैदा करे। उसकी बीवी को 3 तलाक से उससे दूर हो गई और बाकी 907 तलाक का गुनाह उसके सर पर है। दूसरी हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे दूं तो क्या वो मेरे लिए हलाल होगी। तब हुजूर पाक ने फरमाया कि नहीं, वह तुझसे अलग हो जाएगी और ऐसा करना गुनाह है। तीसरी हदीस है, सैयदना हजरत इमाम हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब फरमाते
हैं कि जो आदमी अपनी बीवी को तीन तलाक दे, हर दोहर में एक एक करके या हर माह के शुरू में एक या एक एक करके या इकट्ठी तीन तलाक दे दे, तो उसकी बीवी हलाल नहीं होगी जब तक वह किसी और व्यक्ति से निकाह ना कर ले। तो दोस्तों, यहां हमने आपके सामने तीन हदीस बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीसें हैं जिनसे ये साबित होता है कि तीन तलाक मान्य है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि तीन तलाक मान्य नहीं है या फिर ये इस्लाम का अंग नहीं है, तो ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए कहना चाहते हैं कि अगर वो अपनी पत्नी को तीन तलाक दे देते हैं तो वो अपनी पत्नी को अपने पास रख सकें। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तीन तलाक पर क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं। अगर इस्लाम के एतबार से बात करें तो इस्लाम के एतबार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तीन तलाक पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अपनी पत्नी को तीन तलाक देता था तब भी वो तीन तलाक ही मानी जाती थी, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोई पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वो तीन तलाक अब भी तीन ही मानी जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसले से तीन तलाक पर ये इफेक्ट हुआ है कि जो लोग शरीयत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं या वो लोग जो मानते हैं कि तीन तलाक का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो उन लोगों को ये छूट मिल गई है कि अगर वो आदमी अपनी पत्नी को तीन तलाक देते हैं तो वो अपनी पत्नी को रोक कर रख सकते हैं। मतलब ऐसा माना जाएगा कि पति ने पत्नी को तलाक दी ही नहीं है, और तलाक के बाद पत्नी न्याय मांगने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में जाना कि बेसिकली तीन तलाक होता क्या है, इस्लाम में तीन तलाक का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तीन तलाक पर क्या क्या असर पड़ा है। तो दोस्तों, ये जो तीन तलाक का फैसला है वो महिलाओं के फेवर में जारी किया गया था, महिलाओं के अगेंस्ट जारी नहीं किया गया था। दोस्तों, आपने भी कई न्यूज चैनल पर यह सुना होगा कि तीन तलाक एक महिलाओं पर जुल्म है, मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सच में कोई जुल्म देखना है तो किसी ऐसी हिंदू महिला से मिलिए कि जिसको 5 साल 10 साल हो गए हैं कोर्ट के चक्कर काटते हुए, मगर आज तक उसे तलाक नहीं मिला है। तो इस्लाम में जो तलाक का स्ट्रक्चर बताया है वो काफी अच्छा और इजी स्ट्रक्चर है, और ये पति और पत्नी दोनों के लिए फायदेमंद है कि अगर पति और पत्नी दोनों को एक साथ रहना दुश्वार है तो पति अपनी पत्नी को एक बार तलाक देकर कहानी को खत्म कर सकते हैं, फिर चाहे पति या पत्नी किसी से भी शादी करे, मगर वहीं हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।